मुजफ्फरपुर नौजवान दोस्तों, मैं तो पूरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के गांव गांव में, शहर के सभी वार्डों में आप लोगों के बीच में आया हूं। आपसे वोट की गुजारिश की है, आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया है और लगातार आप लोगों के बीच में रहा हूं। आज तो मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ नेता आज के ताजा सारे राजनीतिक हालात से आप लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। मैं तो आपके बीच में एक संकल्प लेता हूं, मेरा रोम रोम हरियाणा प्रदेश के लिए समर्पित है। मैं संकल्प लेता हूं, रहूंगा इस शहर की उन्नति के लिए सदैव जिम्मेदार, आपके सुख दुख में साथ निभाने के लिए तत्पर और तैयार। हमारे राजनीतिक विरोधी आपके बीच में तरह तरह के प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह की बातें करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं, ये तो उनका पुराना धरना है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसी तरह के खेल खेलती रही है। 64 वर्ष इस देश को आजाद हुए होंगे, 64 में से 52 वर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हुकूमत की, और इस 52 वर्ष में आपको दिया क्या, लिया क्या और किया क्या, ये मेरे से पूर्व नेताओं ने आपके बीच में बताया है। मैं उनको पुनः दोहरा करके आप लोगों का समय जाया नहीं करना चाहूंगा। लच्छेदार भाषण दिए, गरीबी हटाओ के नारे दिए, समाजवाद की दुहाइयां दी, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें की, बड़े बड़े समझदार दिखाए और गरीब के सर पर हाथ रखने की कसमें खाई, और आज भी वही सिलसिला जारी है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर के बोले, चाहे वो सोनिया गांधी जी अपना लिखा हुआ भाषण पढ़े, और चाहे वो राहुल बाबा कहीं मीडिया से रूबरू होते हुए बात करें, एक ही बात का उल्लेख करते हैं कि हम इस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करेंगे। परंतु जब करने का अवसर आता है, जब दिल्ली के एयर कंडीशन कोठियों में बैठ कर भी फैसला करते हैं, जब योजना आयोग में योजनाओं को अमली जामा पहनाने की बारी आती है, तब ना इन्हें किसान दिखाई देता है, न मजदूर याद आता है, न गरीब दिखाई देता है, न कमेरे वर्ग के लोग याद आते हैं, तब ना इन्हें दलित दिखाई देता है, न पिछड़ा याद आता है, तब इन्हें ना कर्मचारी दिखाई देता है, न दुकानदार याद आता है, तब तो इन्हें टाटा बिरला दालमिया मोतीलाल महिंद्रा और रिलायंस जैसे लोग नजर आते हैं, और ये सिलसिला निरंतर आपके बीच में जारी है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज 7.5 साल से ज्यादा अर्सा हो गया यूपीए की गवर्नमेंट को लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फैसला गरीबी, महंगाई, बेकारी बढ़ाने का लेते हैं और बात इन्हें कम करने की करते हैं। आप लोगों के बीच में अगर कोई राजनीतिक दल इनकी बेकायदियों को उजागर करे, इनके काले कारनामों का पर्दाफाश करे, तो फिर इन लोगों को तकलीफ होती है। अपने राजनीतिक विरोधियों को तरह तरह के षड्यंत्र रच करके ये लोग बदनाम करने का खेल खेलते हैं। तो साथी इस चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कह देते हैं कि अजय सिंह तो बाहर का प्रत्याशी। मेरे पूजनीय दादा चौधरी देवीलाल जी ने इस शहर को, हरियाणा प्रदेश को खून पसीने से सींच करके बनाने का काम किया है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, उनकी कर्म सभी इशार रहा है। आपके बीच में मैं तो यहीं पढ़ा हूँ, यहीं पढ़ा हुआ हूँ, यहीं इसी गवर्नमेंट कॉलेज के इसी सामने जब हॉस्टल हुआ करता था, उस हॉस्टल में पढ़ करके शिक्षा दीक्षा लेने का काम किया है। जो लोग मुझे बारी प्रत्याशी बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, हमने तो पुरखों यहाँ पर गुजारी है, अगर मैं उनको कहूँ कि वो तो बहावलपुर पाकिस्तान से आए हुए हैं, क्या वो उचित लगेगा? आप लोगों के बीच में ये पैराशूट उतर से जो नेता आए हुए हैं, इनकी तरह नहीं, मैंने चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़ करके राजनीति सीखने का काम किया है। उनकी ड्राइवरी से लेकर के विदेश यात्राएं तक उनके साथ रह करके की है। उनका एक एक पल मैंने उनके साथ गुजारने का काम किया है। उनसे जो शिक्षा ली, आज उसी शिक्षा का परिणाम है कि निरंतर आप लोगों की सेवा में कार्यरत हूँ। मुझे पार्लियामेंट का और असेंबली का कोई लोक लालच नहीं, ये तो बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों
मैंने राजस्थान की असेंबली से लेकर के हिंदुस्तान की दोनों बड़ी पंचायतों में और हरियाणा प्रदेश की असेंबली में जाकर के भी देखने का काम किया है। परंतु आज जरूरत है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जो जात पात का जहर पैदा करके, जो धर्म संप्रदाय और मजहब की बात करके देश को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाया जाए और उन्हें यह एहसास करवाया जाए कि हरियाणा प्रदेश के जागृत और सम्मानित लोग आज उन सारी बातों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और वो तभी संभव है जब हम लोग आपसी छोटे मोटे मन मुटाव के लिए शिकायतों को दूर करके एक झंडे के नीचे संकित होकर के अपनी एक एक कीमती वोट 13 तारीख को सुबह सवेरे नहा धोकर के परमपिता परमात्मा को, वाहेगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके चश्मा ऐनक के सामने का बटन दबा करके मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे और दूसरे दोनों प्रत्याशियों को अपने एक ही कीमती वोट से सबक सिखाने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मेरा चुनाव निशान पहले मशीन पर पहला बटन दबने से आपके सामने दबेगा। पहली मशीन का पहला बटन दबाओगे तो वोट सीधे तौर पे आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में जाएगा। आप दोनों के बीच में जिस तरह के हालात और परिस्थितियां हैं उनसे आप पूरी तौर पे वाकिफ हैं। हमारे राजनीतिक विरोधी कांग्रेस के लोग आज जैसा कामरेड इंद्रजीत जी बता रहे थे कि तरह तरह की बातें करते हुए घूम रहे हैं, ये तो उन दिनों में भी बातें करते थे जब चौधरी देवलाल जी आपके बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते थे, तब ये कहते थे चौधरी देवलाल तो झूठ बहका रहे हैं, ये चीजें तो संभव ही नहीं है। बुढ़ापा पेंशन, कर्ज माफी और दूसरे जो मुद्दे थे उनके बारे में मना करते थे और तब चौधरी देवलाल जी कहते थे कि हम वहां पे कानून बनाने जा रहे हैं, कोई बहस कराने नहीं, और कानून बना करके नीचे लिखूंगा देवीलाल और वो सारी योजनाएं आपके बीच में शुरू हो जाएगी। परंतु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बुढ़ापा पेंशन की योजना चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए शुरू की थी, कांग्रेसी मित्रों ने उसे अपमान पेंशन में तब्दील कर दिया। आज हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग घंटों सड़कों पर खड़े रहते हैं, घंटों बैंकों के आगे खड़े रहते हैं, कभी उनसे अंगूठे लगवाए जाते हैं, कभी पंजे बंटवाए जाते हैं और फिर अगली बार लेने जाए तो अदना सर कर्मचारी ये कह देता है बाबा तेरी तो रेखा बदल गई, 5-5, 6-6 महीने हो जाती है पेंशन मिले हुए। आज बुजुर्ग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और बुजुर्ग ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का जन जन का यही हाल है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, शिक्षक है, हर वर्ग के लोग मौजूदा इस कुशासन से दुखी और परेशान है, क्योंकि इन्होंने जो जो भी वायदे जनता से किए वो सारे के सारे वायदे इनके ढकोसला साबित हुए, झूठे साबित हुए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इसी वजह से आज हरियाणा प्रदेश की दर्रों दीवार एक बात कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल आ रही है, और जिस दिन आप लोगों के सहयोग से इंडियन नेशनल लोकदल की हुकूमत होगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, जिसकी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है, कोई भेड़ चराने नहीं, कानून बनाने जा रहा है और आप लोगों के आशीर्वाद से कानून इस प्रकार का बनाने का काम करेंगे कि मेरे किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसे कहीं लाइन में पेंशन के लिए लगना नहीं पड़ेगा, घर बैठे 1 तारीख को सरकार आपको पेंशन पहुंचाने का काम करेगी। परंतु ये सारी बात संभव तभी हो पाएगी जब आप लोग संगठित होकर के अपने वोट की ताकत का ठीक से इस्तेमाल करने का काम करेंगे। यही विनती और गुजारिश करते हुए मैं पुनः एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने काम के कीमती समय से समय निकाल करके इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे एकत्रित होकर के मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मुझे जो मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी आपकी तरफ से देने का काम किया है, इसके लिए मैं आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, मेरी जगहों में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी का खून है, गर्व है मुझे इस बात पर, जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी जगहों में दौड़ेगा आपकी दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, इसे झुकने नहीं दूंगा। और आपसे भी यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि आपका एक एक कीमती वोट, आपका प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद
वोट में तब्दील होकर के मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजय सिंह जी। अजय सिंह जी ने संकल्प लिया कि हरियाणा प्रदेश के किसान की, मजदूर की, कमेरे की, 36 बरादरी की, छोटे दुकानदार की सेवा में हर समय रहेंगे। आज अजय सिंह जी, ये जनता भी आपके बीच में संकल्प लेती है कि अजय की विजय हो, अजय की, अजय की। धन्यवाद। अब मैं एक मिनट के